एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद गाजियाबाद के ब्लॉक लोनी में स्थित भनेड़ा खुर्द गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। लगभग 2500 की आबादी व 1150 वोटर द्वारा राखी देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 245 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, पास 10 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 15 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गांव भनेड़ा के अंदर जब से मैं प्रधान बना हूं, तब से मेरे से पहले जितने प्रधान बने थे उनके जो पुराने कार्य रुके हुए थे 20-30 साल पुराने, मैंने 2.5 साल के अंदर कठिन परिश्रम से और लोगों की सहानुभूति प्लस समझा बुझा के जो कार्य 30-40 साल पुराने जो रास्ते थे, जो ग्राम पंचायत में जो लोग ग्रामवासी है उन्हें जाने की बड़ी असुविधा होती थी, वो समझा बुझा कर कार्य कराए और करीबन कम से कम जो गांव के अंदर 20-25 नालियाँ जो ऐसी थी बिल्कुल बेकार पड़ी थी, जर्जर पड़ी थी, वो भी ठीक कराई। गली गांव के अंदर जितनी भी गलियां हैं अप्रोक्सीमेट 90% मैं उस कार्य को पूरा कर चुका हूं और गांव में 80% गांव की आबादी के अंदर आज की डेट में कोई निर्माण कार्य के लिए मेरे पास जगह नहीं है। एक खरंजा है जिसके ऊपर मैं कम से कम साल भर से एक परिवार से लड़ रहा हूं, उन्होंने मेरे पर मुकदमा भी कराए हैं, कोर्ट में गए मेरे खिलाफ, जो कि एक सार्वजनिक रास्ता है उसे बनने नहीं दे रहे हैं। मैं इस दिन महोदय के पास भी गया हूँ, डीएम के पास भी जा चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे असफलता मिल रही है, लेकिन मैं उसे कार्य करूँ कि किसी भी तरीके से रास्ते को मैं पूरा करूँ जिससे जो रास्ते पे जाने वाले नागरिक हैं उन्हें असुविधा महसूस होती है। ऊपर से एक हमने जो 20-25 बीघे ज़मीन स्टेडियम के लिए दी हुई है, जो आसपास के क्षेत्र के जितने युवा प्रेरित हों खेल के लिए। दूसरा कम से कम 50 बीघा ज़मीन जो मैंने कब्जा मुक्त कराई है जिस पे अवैध कब्जे हो रहे थे, प्रशासन की मदद से वो बिल्कुल एकदम खाली करा दी गई है और उस पर 18 बीघे में पहले मैंने वृक्षारोपण कराया था वन विभाग वालों को से मिलके और 20 बीघे में अब करा रहा हूँ। मैंने एक बारात घर की सामुदायिक केंद्र की मांग करी है, एक आंगनबाड़ी केंद्र की प्लस एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गांव के अंदर, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि गाँव में कोई विवाद ना हो और अपने स्तर पर ही उसको गांव में बैठा के समझा बुझा के उसे गांव के अंदर ही ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि केस इतने चल रहे हैं, पुलिस भी प्रशासन भी सब परेशान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इतना करना चाहिए कि ग्राम पंचायत प्रधान को कुछ अधिकार ऐसे अधिकार दे देने चाहिए जिसे छोटे मोटे मुकदमे गांव के अंदर ही सुलझा लेनी चाहिए।